हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होने वाला है इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको हमारे चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत ही नॉमिनल सा फी पेमेंट करना होगा। वहां पे आपको बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स, बहुत ही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिनको देख करके या जिनको एक तरीके से आप अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपका कोर्स तो बहुत ही आसानी से कम्प्लीट हो जाने वाला है। यहाँ पे आपके कोर्स को कम्प्लीट कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है कॉमर्स की पाठशाला की है। यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सर्च करना है यूट्यूब में। सर्च करने के बाद इस वाले पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जो सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब वाले बटन को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ना। ये रेड कलर का बटन आपको दिखेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है। जो रेड वाला बटन है उसको दबाना है, और दबाने के बाद ये जो बेल आइकन है, इस बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इग्नू एमकॉम यहाँ पे नीचे ऑप्शन में दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है और हमारे चैनल की मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है। कैसे करना है? जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, यहाँ पे मोर अबाउट पर्क्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा व्हाट्सएप का, जिसको आप हमें जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एक्सक्लूसिव एमकॉम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मेंबर जो ग्रुप बनाया गया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी वहाँ पे हमें ज्वाइन करें, एंड एक तरीके से जो आपकी स्टडी है वहाँ पे आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे तीन तरह की जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स आपको मिल रही है, उसके अलावा और भी है, बट ये तीन बेनिफिट बहुत ही मेजर है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आपको असाइनमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आपको डेफिनेटली असाइनमेंट्स बनाना है। आपको पता है कि उन सारे असाइनमेंट्स को बनाने का जो एक प्रेशर रहता है वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो है बना बनाया असाइनमेंट मिल जाएगा, आपको बस उसको लिखना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको नोट्स हमारे कॉमर्स की पाठशाला से खरीदने हैं, जो कि बहुत ही एकदम अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जिनको एक तरीके से रिसर्च पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसके बेसिस पे बनाया जाता है, तो आप नोट्स जो है हमारे पास से बहुत ही कम दामों पे खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट तो मिलेगा ही 24/7 रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट जो भी आपके मन में है आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर आपका है। साथ ही साथ गाइडेंस एंड काउंसिलिंग भी यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। आप चाहे तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं इन केस ऑफ नीड। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट व्हेनेवर यू विल टेक आवर मेंबरशिप प्लान, जिसके लिए एक बहुत ही नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना है, ठीक है ना। एक बात मैं और बता दूं कि आपको अगर हमारे वीडियोस को ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे चैनल के नाम के आने के बाद यहां पे देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, है ना। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा आपको इग्नू एमकॉम, दिख रहा है ना आपको। तो इग्नू एमकॉम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, हमारा ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपको एमकॉम के आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7, मतलब सेकंड ईयर के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जहां ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। ये रहा हमारा लेक्चर जो कि है इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इंडिया ने ऐसे कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं जिसका असर जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लो। देखो इकोनॉमिक है ना, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें रिफॉर्म्स मतलब कुछ ऐसा करना जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो और बढ़े और अच्छे तरीके से काम करे। तो ऐसा काम जो है सबसे पहले 1991 में हुआ था, जिस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और जो 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 फाइनेंस मिनिस्टर थे वो श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो हमारे भूतपूर्व एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना। तो वो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उस टाइम पे उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें जो है अपनी इकोनॉमी को खोलना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी को खोलना चाहिए, जिसके कारण से जो बाहर की कंपनी है वो इंडिया में आएंगी, जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी हमारे इंडिया में बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी हमारे इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उनकी बढ़ेंगी, साथ में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। बहुत सारी बेनिफिट्स के कारण जो है इसको 1991 में खोला गया, जिसपे बहुत सारी कंपनीज को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में आकर के एलपीजी का हिस्सा बन सके, है ना। तो ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था। तो आइए देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज फार बेटर प्लेस देन अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, अ ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अ लार्ज पूल ऑफ ट्रेनिंग,
मैन पावर, इम्प्रेसिंग एंटरप्रेन्योरियल एंड मैनेजरियल स्किल्स, अबंडेंट सप्लाई ऑफ चीप लेबर एंड एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेज ईटीसी, इट कुड नॉट प्ले द रोल ऑफ अ ग्लोबल मार्केट ये बिकॉज ऑफ द इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसीज परस्यूड फॉर डेकेड्स। यहाँ पर क्या बोला गया कि हमारे एक फैक्ट है, एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि इंडिया में जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सारे पॉपुलेशन है, जितना भी सारा मार्केट है, वहां पे सबसे बेहतर मार्केट जो हमारे इंडिया का है। हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी इतना अच्छा है कि हम दूसरे कंट्रीज के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हमारे पास एक ट्रेनिंग मैन पावर भी है, फिर भी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्किल मैन पावर हमारे पास कम है, बट फिर भी हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है, हमारे पास एंटरप्रेन्योर स्किल है। आपने भी शार्क टैंक में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल दिखाई, जहां पे उन लोगों ने बहुत सारे बिजनेस को बहुत ही बड़ा बनाया था। मैनेजरियल स्किल्स भी हमारे पास है, हमारे पास सबसे बड़ा बात कि अबंडेंट सप्लाई ऑफ चीप लेबर है, हमारे पास चीप लेबर बहुत ही सस्ते में अवेलेबल होता है हमारे पास, है ना। तो इन सारे चीजों के होने के बावजूद भी हम जो है ग्लोबल मार्केट में थोड़े से फिसड्डी हैं, थोड़े से पीछे हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा इनवर्ड लुकिंग अप्रोच रखा है मैनेजमेंट को लेकर के, इकोनॉमिक मैनेजमेंट को लेकर के, जहां पे हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी कंट्री को किस तरीके से और भी बड़ा बनाया जाए, उनको ग्लोबल लीडर बनाया जाए, है ना। हमारा जो अप्रोच रहा है मेनली ये रहा है कि हमारा काम बस बन जाना चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, है ना। लेकिन चूंकि ये पॉलिसी हमारी थी कई सालों तक, कई डेकेड्स तक, है ना, डेकेड्स मतलब 10-10 साल जो होते हैं, तो तकरीबन 3-4 दशकों तक हमारी यही पॉलिसी थी, जिसके कारण से हमारी जो कंट्री है वो एक तरीके से खराब हालत में आ गई थी। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि जो सामान हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसके लिए हम उस पैसे को पे कर सकें, है ना, हम अपने डेट्स को पे कर सके, उतने भी पैसे हमारे पास नहीं थे। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण ये दिक्कत जो हो है वो आ रही थी। एट अ टाइम व्हेन वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंडेड फास्ट, इंडिया मिस्ड द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेसिव इम्फेसिस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना। हमारा जब पूरी दुनिया में एक तरीके से एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, हम लोगों ने यू नो वर्ल्ड ट्रेड में एक तरीके से बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान सिर्फ इस चीज पे था कि जो इम्पोर्ट हम मंगवा रहे हैं, जो चीजें हम मंगवा रहे हैं उसको किस तरीके से सब्स्टिट्यूट उसका कम दामों में मंगवाया जाए ताकि लोग जो है उसका इस्तेमाल कर सके। हमारा ध्यान सिर्फ इस चीज पे था। हम लोग अगर उल्टा उस चीज को अगर यहाँ पे प्रोड्यूस करते, उसको अगर बाहर भेज पाते तो उस चीज की डिमांड बढ़ती, है ना। अगर हम डिमांड बढ़ा रहे हैं किसी चीज की और हम ही उसी प्रोड्यूस को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट को बना करके, तो डेफिनेटली एक तरीके से जो हमारा डिपेंडेंस है अदर कंट्रीज के ऊपर वो घटता। लेकिन हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को एक तरीके से मिस कर दिया और जो पूरी की पूरी इकोनॉमी थी वो एक तरीके से जो है स्क्रैम्बल करने लगी, है ना। सिचुएशन डिड नॉट चेंज अंटिल 1991 में आकर के जो है, तब तक ये सिचुएशन जो है बदला नहीं था। 1991 में आकर के गवर्नमेंट एक बोल्ड डिसीजन लेती है कि हम अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे, टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडिया को लोन लेने के लिए जाना पड़ा WTO के बाद, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, जहां पे उन्होंने एक कंडीशन रखा कि हम आपको लोन तो देंगे, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कंपनी को खोलना पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा और आपको LPG अपनाना होगा, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बाहर की कंपनीज ही आपके कंट्री में आएंगी बिजनेस करने के लिए, आप भी अपनी कंट्रीज को इस तरह का बनाइए कि वो भी बाहर जाकर के बिजनेस कर सके, राइट। तो गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मर्ज किया जाए, उनको जो है एक साथ में इंटीग्रेट किया जाए। फेस्ड विद प्रेस्केरियस फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो ये कंडीशन थे जिसके कारण से गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन बहुत खराब हो गया था, हमारे पास सिर्फ $400 बिलियन ही बचे थे, जो कि कुछ ही महीनों का एक तरीके से डेट उतारने का काम आता, उसके बाद हम कंगाल हो गए थे, है ना। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो रिजर्व है हमारी कंट्री का, वो एक तरीके से खत्म होने वाला था, है ना। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा एडवर्स रहता था, मतलब हमेशा हम डेफिसिट में होते थे, है ना। एंड ह्यूज एक्सटर्नल डेट, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक तरीके से डेट था, उधार था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट बिगिनिंग फ्रॉम जून 1991। तो 1991 में पहली बार गवर्नमेंट ने एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम स्टार्ट किया मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के नाम पे, और स्ट्रक्चरल जो चेंजेस करने थे 1991 के बाद गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करने स्टार्ट किए। मतलब एक तरीके से जो गवर्नमेंट यूनिट्स थी, जो PSUs थी, उनको बेचना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, जो मोदी गवर्नमेंट अभी कर रही है, जो इंडिया के PSUs है, रेलवे है,
बैंक्स हैं, इन सबको एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है। इन सब की स्टार्ट जो है 1991 में हो गया था, लेकिन कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो थोड़े धीरे धीरे काम कर रही थी। मोदी गवर्नमेंट एकदम बुलेट ट्रेन की तरह काम कर रही है, फटाफट जो है सारे के सारे अरुणाचल को एक तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप देखो प्राइवेटाइज अब आप अगर करोगे तो इसका बेनिफिट भी है और इसका नुकसान भी है, तो सारी चीजों को देख करके ही जो डिसीजन लेना पड़ता है। तो जो भी हो गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमें तो उसे मानना होगा जो भी हो। तो 1991 में जाकर के गवर्नमेंट ने इसको डिसीजन लिया कि इसको जो एक तरीके से धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज किया जाएगा। द प्रोग्राम इंक्लूडेड फार रीचिंग ट्रेड, फिस्कल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेजर्स विद अ मेजर थ्रस्ट ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव एफिशिएंसी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज बाय यूटिलाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू अ मच ग्रेटर डिग्री देन इन द पास्ट, है ना। तो हमारा जो प्रोग्राम था उसमें एक तरीके से फार रीचिंग ट्रेड, फिस्कल, मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए ताकि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनका कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ सके, उनको सब्सिडी प्रोवाइड की गई कि वो बाहर की कंपनीज के साथ एक तरीके से लड़ सके, है ना। क्योंकि बाहर की कंपनी जब आएगी, आप अगर ठीक तरीके से देखोगे तो आपके घर में ऐसे 10-15 सामान मिल जाएंगे जो जो कि बाहर के हैं, जो कि इंडिया के नहीं है, फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो जब तक हम इस हालत में नहीं पहुंचते कि हम उन चीजों का इस्तेमाल खुद से कर सके, बना सके, तब तक हमें जो है कॉम्पिटिटिवनेस बना करके रखना पड़ेगा मार्केट में। और इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दी, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जिसके जरिए जो है एक तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस जो है, जो एफिशिएंसी है इंडियन इंडस्ट्रीज की, उसको बढ़ाई जा सके। अब ये कैसे बढ़ेगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास से आ रहा था, जो बाहर से पैसे आ रहे थे, उसका इस्तेमाल हम लोगों ने इस चीज में किया जो कि पिछले कई सालों से नहीं हुआ था, ठीक है ना। बेसिकली जी, बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म मेजर वाज टू डिसमेंटल कंट्रोल ऑन इंडस्ट्री, एक्सटर्नल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टू एस्टैब्लिश अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री, है ना। तो जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था उन सारे रिफॉर्म्स का, वो यही था कि जो कंट्रोल है इंडस्ट्रीज के ऊपर, एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, उसको थोड़ा लूजन किया जाए, बाहर की कंपनीज को मौका दिया जाए, प्लस जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी बहुत ज्यादा मौका दिया जाए कि वो भी कुछ कर सके, है ना एक तरीके से। अब सपोज अगर हम बाहर की कंपनीज को सिर्फ बुलाते और हमारी कंपनीज को मौका नहीं देते, तो क्या हमारे इंडिया में टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे लोग क्या बन पाते? नहीं, ये लोग नहीं बन पाते। तो इसका इससे उनको भी बहुत फायदा मिला, उनको भी एक तरीके से मौका दिया गया कि आप भी अपनी कॉम्पिटेटिवनेस दिखाओ। उनको बहुत सारी पीएसयूज बेची गई, जैसे आपने अडानी का नाम सुना होगा, अभी अडानी को, अडानी पोर्ट जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको बेचे बेचे जा रहे हैं। तो एक तरीके से अगर आप मौका दोगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, है ना। हालांकि बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें भी हो जाती हैं जहां पे लोग जो है हमें चूना लगा करके बाहर देश भाग जाते हैं, काफी करोड़ों का नुकसान करके, लेकिन आखिरकार ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ग्रेटर गुड में ही हमारा साथ देते हैं, हमारे कंट्री के साथ देते हैं, राइट। तो जो क्लाइमेट है, एक ट्रस्ट जो है लोगों के बीच में, आई मीन गवर्नमेंट और बिजनेस इंडस्ट्रीज के बीच में, वो गवर्नमेंट ने बिल्डअप करने की कोशिश की। द फोकस ऑफ द न्यू पॉलिसी इज मोर ऑन फ्री प्ले मार्केट ऑफ फोर्सेस, है ना, इंस्टेड ऑफ स्टेट कंट्रोल इन डिटरमाइनिंग द कंट्रीज फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करने का काम जो है एक तरीके से गवर्नमेंट का होता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है छूट दे रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स आकर के इंडिया को और आगे लेकर के जाए, पीपीपी मॉडल के तहत काम करें, जिसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जाते हैं। बहुत सारी ऐसी भी बिजनेसेस हैं जो कि एक तरीके से कंप्लीटली प्राइवेट है, वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स ही काम कर रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से उनको मौका दिया कि आप अगर अच्छे से काम करोगे तो अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमी है, वही बड़ी होगी, है ना। तो इन सब चीजों के लिए जो उनको मौका दिया गया। एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वेर एक्सपोर्ट एज्यूम प्राइम इंपॉर्टेंस, है ना। और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी बनी जहां पे एक्सपोर्ट को जो है कि हम अपने सामान को इंडिया के बाहर भेजें, उसको जो है प्राइम इंपॉर्टेंस दिया गया, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। इसके कारण से आपको यकीन नहीं होगा कि आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया अमेरिका में जब भी ट्रेड होता है तो हमारा अमेरिका के मामले हमेशा सरप्लस रहता है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो हमें हमारा थोड़ा सा डेफिसिट ही रह रहा है। पिछले कई सालों से हमारा डेफिसिट ही है, सरप्लस सिर्फ 2 साल हुआ है पिछले 70 साल के इतिहास में, लेकिन फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब हम बहुत ही अच्छी कंट्री बनेंगे और एक तरीके से हमारे प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में बिकेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे मैंने इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।